मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब हम युवाओं दीजिए। के लिए क्या किया जा रहा है? आप यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या? क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? इतना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। जितना कमाई जरूरी है उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की डिबेट बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर हुई है, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच हुई है। इस डिबेट में युवाओं ने सुधांशु त्रिवेदी से बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर बड़े ही तीखे सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी सीधे सीधे ना देकर उनको हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान करने पर दिखाई देते हैं। तो अभी उनके बीच बड़ी तीखी बहस होती है आलोक शर्मा और मृत्युंजय तिवारी से। तो दोस्तों डिबेट में आगे क्या होता है ये हम आगे वीडियो में देखते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशबू चौधरी। मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा आपने सवाल किया, महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा, और चुनाव से पहले तो आपके आदर्श है नहीं? नहीं नहीं, तो मैं बोल रहा हूं फिर राहुल गांधी अभी आगे आगे आइए। राहुल गांधी को सौंपा है, राहुल गांधी ने अभी और बता रहे हैं, जब से ये मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई, अगर एक मच्छर भी अभी काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को जाएंगे। अच्छा अच्छा राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी तो बोले, ये अयोध्या राइजिंग की कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले। चलिए राहुल गांधी तो वो बोले, अरे बोलिए महंगाई पे काहे ना बोले, बोलेंगे महंगाई पे रैली करने वाले नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताओ भाई, महंगाई पे रैली करके मतलब है कि राहुल गांधी जी से ये डरे? आप जवाब दीजिए। ये देखिए ये लगता है इसके भैया, ये तो राहुल गांधी पर डिपेंड करने लगे। आलोक जी आपकी गलती खत्म पड़ जाएगी, हर वाक्य में राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है। अच्छा क्या मतलब क्या है? आलोक जी मंद मंद मुस्कुराने में समझ नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि डर सकता है राहुल गांधी से। आप लोग डरे हुए इसीलिए हमेशा राहुल गांधी का नाम लेते हैं। जब हो रहा है अंजना जी, नहीं मैंने तो उदाहरण क्योंकि महंगाई बेरोजगारी पर सवाल है। एक अंतिम बात, जिस पार्टी के नेता ने सबसे ज्यादा महंगाई का विषय उठाया वो खुद महंगाई की रैली में हिंदुत्व पे भाषण देता है और फिर सवाल हमसे पूछता। मैंने से भी मैं एक मिनट एक मिनट मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल देखिए, एक मिनट पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे लाके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या? क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए किसी भी वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल गई आप बता दीजिए प्लीज। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया उसे नौकरी मिल गई? तोड़ने की बात नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए सर, क्या इससे महंगाई कम हो रही है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित, मार के 6 महीने में भगा दिए गए। तुम्हें शर्म है? आइए सुनिए तो इसे, सुनिए देखिए जवाब पूछा गया है आप पर बोलिए। हिंदू मुसलमान कोई मुसलमान नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं बेरोजगारी पे बताइए ना, अरे उसी पर जवाब दे रहा हूं। चार कदम बताइए, मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपए को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के, 2 फार्मूले बताइए। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले है मेरे पास, मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों ऐसे नहीं होता है, कैसे होता बताओ जरा। मैं सारे युवाओं को बताना चाहता हूं, पढ़ाई भी जरूरी है, विकास भी जरूरी है, नौकरी यानी पढ़ाई लिखाई कमाई तीनों जरूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी कोरोना काल था ठीक, पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा जरूरी क्या हो गया था कि मुंह पे मास्क रहे कि वायरस अंदर ना घुसने पाए, और अगर अंदर घुस जाए तो अंदर इम्यूनिटी इतनी रहे कि वायरस को किल कर दे। वो उस समय पढ़ाई लिखाई कमाई से ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने याद दिलाया कि सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कमाई करने वाली कम्युनिटी को 6 महीने में भगा दिया गया था सन 47 में लाहौर में। क्यों नहीं समझ? अरे भाई लाहौर में 75% हिंदू और सिख थे, सबसे ज्यादा पढ़ाई सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी वो थी और उसको 6 महीने में मार के भगा दिया गया था। कराची में पंजाबी हिंदू और सिंधी हिंदू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा नौकरी करने वाली कम्युनिटी थी, सबसे डेवलपमेंट ओरिएंटेड कम्युनिटी थी, 6 महीने में भगा दिया गया था। इसलिए जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना ही गंदगी की धुलाई भी जरूरी है, वरना वो आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी खतरनाक हो सकती है। बंद करो ये सब नाटक,
कुछ लाइफ में अच्छा करो। क्या धीरे धीरे शालीनता पूर्वक अपनी बात करने की इजाजत है? बिल्कुल पूरी इजाजत। क्या चिल्लाना जरूरी नहीं है? एकदम नहीं है। तो मैं शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र ने मेरी प्रतिबद्धता को लेकर कुछ सवाल उठाए। हम NDA के पार्टनर हैं, बहुत सारे सवालों पर हमारी इनसे असहमति रहती है। हमारा इनकी पार्टी में मर्जर नहीं है, ये मृत्युंजय जी भी जानते हैं, हमारे बिहारी मित्र हैं। लेकिन समय समय पर किसान वाला आपने सवाल उठाया, मैं तो अपने मित्रों की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कमेटी बननी चाहिए, MSP का कानून लागू होना चाहिए। अब जो गेहूं पे लगाया प्रतिबंध, उससे MSP से कम दाम पर गेहूं बाजार में आ गया है, नंबर एक। नंबर दो, ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। लिहाजा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को उत्तेजनात्मक बयान देकर के देश के माहौल को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये BJP के लिए ही संदेश है सुधांशु जी, ठीक है ना? अनुराग जी, बचाव कर लिया साहब ने। अंजना जी, देखिए राहुल गांधी से कोई डरता नहीं है, राहुल गांधी पर लोग हंसता है। राहुल गांधी से शुरू कर दिया मामला, कितनी बार बोलेंगे डरता होता कोई नहीं। अरे देखिए डरता है, काउंट कीजिएगा, मोदी जी ने भारत का नाम नहीं लिया आज तक इतना जितना इन दोनों ने राहुल गांधी का नाम लिया। जल्दी पिंड छूटे राहुल गांधी से ताकि कांग्रेस दोबारा खड़ा हो सके, क्योंकि राहुल गांधी और गांधी परिवार जब तक रहेंगे कांग्रेस का उत्थान नहीं।